हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं और सेकंड पार्ट में हम बाकी की जैकेट कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर देखिए इस जैकेट का पैटर्न कितना प्यारा है, फ्लावर पैटर्न की जो जैकेट है। और नेक की शेप देखिए कितनी अच्छी है। यह वीडियो में दोनों साइड की मैंने नेक की कटाई बताई है ताकि जो बिगनर है वो भी इसे बना सके। यहाँ पर देखिए मैंने 4 प्लाई की वूल ली है, आप 3 प्लाई की वूल से बनाएंगे तब भी ये सेम बनेगी। और 11 नंबर का मैंने इसके लिए क्रोशियो लिया है 3 mm। और यहाँ पर इसके लिए मैंने देखिए डोरी बनाई है, इस डोरी की वीडियो अपलोड हो गई है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाकी के भी जो पार्ट्स होंगे उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पर देखिए आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसकी पिक भी मैं अपने फेसबुक पेज मेडिकल थ्रेड्स पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसकी पिक भी ले सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैंने इस चार्ट को एक्सप्लेन किया है, आप किसी भी चेस्ट साइज में बना सकते हैं इस चार्ट से देख कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 270 ग्राम मेरी वूल लगी है, लेकिन वूल जब भी आप लेकर आएँ तो वूल आप कम से कम 100 ग्राम ज़्यादा लेकर आएँ, क्योंकि सभी के हाथ का फ़र्क होता है, क्रोशे का फ़र्क होता है, तो वूल कम नहीं होनी चाहिए। मेरी ये 4 प्लाई की वूल है। तो अब दूसरी साइड देखिए, ये वाली जो है साइड इस तरह से जब आप जैकेट को पहनेंगे अपनी साइड रखा है, तो ये वाली जो है येलो मार्कर वाली साइड हमारी राइट साइड है। तो अब हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड में भी मैं आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ, है तो सेम ही। तो अब देखिए ये ऑरेंज मार्कर वाली हम लेफ्ट साइड बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से हम चेन स्टिच वाली रो बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने चेन स्टिच वाली रो बना ली है, अब हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है। ये बात आप ध्यान रखें, राइट साइड देखिए, ये आप पफ के जो पैटर्न है इसे देख के आप समझ सकते हैं ये हमारी राइट साइड है, ये देखिए ये हमारी रॉन्ग है। तो राइट साइड से हमने स्टार्ट किस तरह से करना है, बस देखिए जैसे हमने दूसरी साइड एक पैटर्न छोड़ दिया था यहाँ पर आर्म होल के डिक्रीज के लिए, तो ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये कंप्लीट ये हम छोड़ देंगे आर्म होल के डिक्रीज के लिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास 5 चेन है, सेंटर में जो चेन है थर्ड चेन, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। यहाँ से इसे निकाल लिया, इसके बाद 1 2 3 चेन ली मैंने, 3 चेन लेकर यहाँ पर पफ बनाएंगे, कंप्लीट पैटर्न बनाएंगे पफ का। कंप्लीट पैटर्न में देखिए 3 होते हैं हमारे पास पफ। एक दो तीन चेन, आर्म होल वाली साइड हमने एक पैटर्न छोड़ के फिर स्टार्ट किया है, तो यहां तक हम बना कर आएंगे ये वाले पैटर्न तक। तो यहां पर देखिए नेक वाली साइड आ गए हम, नेक वाली साइड अब हमने एक पफ डिक्रीज करना है, ये जो हमारे 3 पफ हैं इनके ऊपर अब हमने 2 पफ बनाने हैं। इस तरह से 2 पफ बनाए हमने, बिल्कुल सेम इस तरह से बनाना है। यहाँ पर देखिए ये हमारी नेक वाली दूसरी साइड की कटाई है, 2 पफ के साथ हमारे पास यहाँ पर ये देखिए चेन है, तो उसी तरह से बनेगा। एक साइड चेन आती है, एक साइड हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए धागा लिया, 1 2 3 थर्ड चेन में, यहाँ पर ये देखिए 6 चेन्स हैं, तो 1 2 3 थर्ड चेन में हमने डबल क्रोशिया किया यहाँ पर इस तरह से। बिल्कुल सेम देखिए बनना चाहिए, 2 हमारे पास पफ हैं उसके साथ आगे ये भी है, तो यहाँ पर 2 के साथ है। अब यहाँ से वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन ली हमने,
एक चेन लेकर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन ली, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। तो यहाँ तक आएंगे, पाँच पाँच चेन बनाते जाएंगे, सेंटर में से ज्वाइन करेंगे। आर्म होल वाली साइड आ गए, यहाँ पर देखिए पाँच पाँच चेन ली है मैंने। अब लास्ट में दो मैंने चेन ली, दो चेन लेकर ये देखिए ये एक दो तीन थर्ड चेन है जो वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया। वर्क को टर्न करेंगे। तो अब हमने शुरू में रॉन्ग साइड से हम जब भी बनाते हैं, सॉरी राइट साइड से जब भी हम बनाते हैं तो तीन चेन लेते हैं। जब हम पफ स्टिच बनाते हैं जिस साइड, तो ये राइट साइड है, इस साइड हमने पफ स्टिच बनाना है, तो शुरू हमने तीन चेन के साथ करना है। ऐसे ही हमने सारी जैकेट में बनाया था। तो यहाँ पर तीन तीन पफ बनाते जाएंगे। देखिए बना के मैं दिखाती हूँ, तीन बनेंगे तीन, तो यहाँ तक बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक वाली साइड आ गए हम, राइट साइड है ये। अब हमने देखिए लास्ट में ये हमारे पास दो पफ थे, अब यहाँ पर एक आएगा। ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर हमने एक पफ बनाया। हर रो में एक पफ कम हो जाता है। इसके बाद हमने देखिए पफ बनाने के बाद इसी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया भी बनाना है। डबल क्रोशिया हमने क्यों बनाया, यहाँ पर देखिए सभी के साथ इस तरह से एक चेन आती है हर रो में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी है, ये एक पफ है इसके साथ है, तो यहाँ पर भी बनाना है क्योंकि ये चेन होनी ज़रूरी है, इसी में आगे हमने किनारी बनानी है। तो एक पफ उसी के स्टिच में मैंने एक डबल क्रोशिया भी बनाया। वर्क को टर्न करेंगे, छः चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन लेकर ये जो सेंटर वाला है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। आगे उसी तरह से चेन स्टिच बनाकर देखिए रॉन्ग साइड से हम चेन स्टिच बनाकर यहाँ पर आएंगे। आर्म होल वाली साइड देखिए लास्ट में है हम, तो यहाँ पर एक और दो चेन लिए हमने, और यहाँ पर एक दो तीन थर्ड चेन में डबल क्रोशिया किया। देखिए वर्क को टर्न करेंगे, राइट साइड आ गए हम। तो राइट साइड जब भी हम स्टार्ट करते हैं पफ स्टिच वाली रो, शुरू में हम तीन चेन लेते हैं, यहाँ पर तीन बार पफ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए तीन तीन पफ बनाकर यहाँ पर आएंगे। नेक वाली साइड आ गए हम तीन तीन पफ बनाकर। लास्ट में देखिए ये हमारे पास छः चेन है, एक दो तीन थर्ड चेन में हमने डबल क्रोशिया किया। तो अब हमारी रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए अब हमारे पास यहाँ पर तीन थे, तीन दो एक, मतलब तीन पफ हैं, यहाँ पर दो पफ है, अब यहाँ पर एक पफ है। अब हमारे पास फिर से तीन पफ हो जाएंगे, फिर दो पफ हो जाएंगे, फिर एक पफ हो जाएगा। तो अब हमने फिर से इसी तरह से स्टार्ट करना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। ये देखिए तीन पफ के बाद हम जब रो स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हम छः चेन लेते हैं, छः चेन लेकर आगे पांच पांच चेन लेते जाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः, एक दो तीन चार पांच। देखिए रॉन्ग साइड है हम, तो रॉन्ग साइड से रो कंप्लीट करेंगे। फिर मैं इस साइड से कंप्लीट करके नेक वाली साइड दिखाती हूँ। अब देखिए नेक वाली साइड आ गए हम फिर से, तो अब फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए तीन के बाद दो थे, तो यहाँ पर मेरे पास ये तीन है पूरे, उसके बाद मैंने इसके ऊपर दो बनाए हैं। दो बनाकर हमने यहाँ पर एक दो तीन थर्ड चेन में ज्वाइन किया डबल क्रोशिया से। वर्क को टर्न किया, एक चेन ली, देखिए ये हमारा सेंटर, देखिए सेंटर वाले पफ के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करते हैं, तो ये हमारा सेंटर वाला पफ है, इधर वाला हमने डिक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद एक दो तीन चार पाँच चेन लिए, तो
तो आगे फिर इसी तरह से सेम बनाएंगे हम। तो मैं आपको ये डिक्रीज सारी है जो यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ, सेम इसी तरह से बनेगा। तीन है, फिर दो है, फिर एक है। अब देखिए, तीन है, दो है, फिर ये एक आएगा, फिर इसके बाद तीन, दो, एक। तो एक तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो नेक की घटाई देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर देखिए, ये हम राइट साइड हैं इस जैकेट के, और यहाँ पर आकर हमने एक चेन लेकर फिनिश करना है। ये देखिए, यहाँ पर तीन हमने पफ बनाए, लास्ट में एक, दो, तीन, चार हैं। इसी तरह से दूसरी साइड थे, तो एक चेन लेकर यहाँ पर हम धागा काट देंगे। देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन पफ थे, तीन पफ से हमने दो पफ किए, फिर एक, उसके बाद फिर नेक्स्ट पैटर्न आ गया, उसमें तीन पफ हैं, फिर दो हैं, फिर एक, और फिर देखिए तीन, दो, एक, और लास्ट में हमने फिर से तीन बनाए। ऊपर जाकर देखिए, एक, दो, तीन, चार हमारे पास पफ के पैटर्न बचे हैं। और दोनों साइड में अब आपको दिखाती हूँ। तो अब देखिए हम बैक साइड स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर चेन स्टिच वाली रो बनाई हुई है। चेन स्टिच वाली रो हम हमेशा रॉन्ग साइड से बनाते हैं। अब हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है, मतलब हमारी जैकेट की जो सीधी साइड है, ये देखिए, ये पफ पैटर्न से आपको दिखाई देता है, इस साइड से हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा मार्कर है जहाँ पर हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ पर हमने देखिए इस, ये जो पांच की चेन है, इस पांच की चेन के इस साइड जो चेन थी पांच की, उसके सेंटर में हमने ये देखिए, सेंटर में हमने दो इस साइड चेन छोड़ी, दो इस साइड छोड़ी, सेंटर में हमने डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे। ये जो हमारा मार्कर है, इसके साथ वाली जो चेन है उसके सेंटर में पाँच चेन है, यहाँ पर जो थर्ड चेन है वहाँ से हमने स्टार्ट किया। इसके बाद देखिए, एक, दो, तीन चेन ली। ये उसी तरह से है जैसे हम पफ स्टिच वाली जब रो बनाते हैं, शुरू में तीन चेन लेते हैं, तो वही है। बस शुरू हमने किस तरह से करना है वो मैंने आपको बताया है। तीन चेन लेकर यहाँ पर फिर देखिए पफ बनेगा, तीन का पैटर्न बनेगा पफ का। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, फिर नेक्स्ट में बनेगा। देखिए शुरू हमने इस तरह से करना है, इस तरह से बनाएंगे। देखिए ये जो हमारा मार्कर है, इसके इस साइड हमने एक पैटर्न पूरा छोड़ा था, तो अब ध्यान से आप देखिए इस साइड भी हमारा एक पैटर्न ये पूरा छूट गया है। देखिए ये हमारी जो पैटर्न की रो है, ये यहाँ पर इसके ऊपर नहीं बनेगा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, एक पैटर्न इस साइड छोड़ा है, एक इस साइड छोड़ा है। तो अब मैं ये बना के ऑरेंज मार्कर तक आऊँगी। इस साइड भी देखिए एक हमारी रो छूट छूट जाएगी, जैसे हमने ये वाला पैटर्न फ्रंट साइड के लिए छोड़ा है, तो मार्कर के इस साइड वाला जो पैटर्न है वो हम बैक साइड के लिए छोड़ेंगे, यहाँ तक बनाएंगे, सेकेंड लास्ट जो हमारा तीन कप ऑफ पैटर्न है कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने, लास्ट में देखिए किस तरह से बनेगा। ये देखिए ये वाला एक पूरा पैटर्न हमने तीन का छोड़ दिया, इसके ऊपर नहीं बनाना। तो इससे पहले जो पांच की चेन है वहां पर हमने लास्ट अपना डबल क्रोशिया बनाना है, सेंटर में पांच चेन है, सेंटर वाली जो थर्ड चेन है वहां पर हमने डबल क्रोशिया किया इस तरह से। देखिए देखिए ये तीन का जो पैटर्न है उसके इस साइड भी डबल क्रोशिया है, यहाँ पर देखेंगे शुरू में चेन है, तीन की चेन है, तीन की चेन का मतलब ये देखिए एक, दो, तीन जो चेन होती है ये एक डबल क्रोशिया की हाइट जितनी होती है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारे तीन का जो एक पैटर्न है इसको काउंट कीजिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह,
एक हमने इस साइड कम कर दिया, एक इस साइड कम कर दिया, 17 थे हमारे पास 17, तो अब ये 15 रह गए 15। वर्क को टर्न करेंगे, बस इसके बाद तो उसी तरह से है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए हम रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड जब भी हम स्टार्ट करते हैं, चेन स्टिच वाली रो बनाते हैं, तो शुरू में हम 6 चेन लेकर ये जो सेंटर वाला हमारा पफ है उसके ऊपर ज्वाइन करते हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5, तो रॉन्ग साइड से रो कंप्लीट करके 5 5 चेन बनाकर हम यहाँ तक आएंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई, येलो मार्कर की साइड आ गए हम। ये रॉन्ग साइड है हमारी जैकेट की। देखिए 5 चेन लिए लास्ट में, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेते हैं, और देखिए 1 2 3 थर्ड चेन है जो हमारी, वहाँ पर हमने ज्वाइन किया है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने सारी जैकेट में बनाया है। ये देखिए लास्ट में हमने 2 चेन लेनी होती है, फिर हमने डबल क्रोशिया किया। वर्क को टर्न करेंगे, फिर से हम राइट साइड आ गए। ये देखिए राइट साइड से हम पफ स्टिच वाली रो बनाते हैं, और हमेशा हम ये देखिए 3 चेन से स्टार्ट करके यहाँ पर हम 3 पफ बनाते हैं, 1 फिर 1 2 3। यहाँ पर 3 पफ बना लिए, तो अब इसके बाद उसी तरह से है, यहाँ पर पफ बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 पफ बनेंगे एंड में आके, फिर यहाँ पर 3 पफ बनेंगे। 3 पफ बनाकर ये जो 1 2 3 थर्ड चेन है वहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम वर्क को टर्न करेंगे, फिर हम 6 चेन लेंगे। इस साइड से जब हम टर्न करेंगे फिर हम 6 चेन लेकर फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो बाकी तो उसी तरह से है जैसे हमने ये जैकेट में बनाया है दोनों साइड। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आर्म होल की घटाई देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है। जितनी रो मैंने देखिए फ्रंट साइड की रखी थी, यहाँ पर हमने 9 रो रखी थी, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 रो बनाने पर मेरे पास जो आर्म होल की देखिए लेंथ तैयार हुई है 8 इंच है। ये 9 रो बनाने से ये 8 इंच है, और पहले जो हमने यहाँ पर बनाई थी ये हमने 18 बनाई थी, 18। तो 18 रो बनाने पर ये हमारे पास 16 लेंथ इसकी तैयार हुई थी आर्म होल तक, यहाँ तक मतलब 16। 16 ये है, 8 हमने ये बनाई है, तो ये 24 होगी, 24 लेंथ होगी ऊपर से लेके ये नीचे तक। तो अब देखिए हमने कंप्लीट इसे किस तरह से करना है। ये हमारी राइट साइड है जैकेट के, राइट साइड मतलब सीधी तरफ है। तो यहाँ से अब हमने देखिए यहाँ पर एक बार हम बनाते हैं पफ स्टिच वाली रो राइट साइड से, और रॉन्ग साइड से हम ये बनाते हैं चेन स्टिच वाली रो। तो यहाँ पर देखिए ये पफ स्टिच वाली है, ये भी पफ स्टिच वाली है, और ये भी दूसरी साइड भी। तो अब यहाँ पर मैं रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से जैकेट के यहाँ पर हम चेन स्टिच वाली रो बनाएंगे और साथ साथ इसे ज्वाइन करते जाएंगे। तो अब देखिए ये राइट साइड है हमारी जैकेट की, और ये भी अंदर वाली साइड राइट हो गई। तो उल्टी साइड दोनों मैंने बाहर निकाल ली है, इसको मैंने ऐसे टर्न किया क्योंकि हमारा जो धागा है वो बैक साइड वाले पल्ले के ऊपर है, इसलिए मैंने इसे घुमा लिया। अब देखिए ये दोनों हमारी रॉन्ग साइड हैं, साथ साथ हम यहाँ पर स्टिच करते जाएंगे इसे यहाँ से दोनों को, और साथ साथ चेन स्टिच की रो बन जाएगी। एक चेन ली मैंने, एक चेन लेकर धागा लिया, देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में यहाँ पर हमने छोटा सा एक डबल क्रोशिया किया, ज़्यादा बड़ा नहीं किया, इस तरह से देखिए बनाया हमने। तो छोटा सा इसलिए किया है, इस साइड देखिए एक चेन ली है, यहाँ पर हमने 2 चेन जितना डबल क्रोशिया बनाया, तो ये हमारे पास टोटल 3 चेन जितना हो गया ये सारा।
फिर से देखिए किस तरह से मैंने किया है। स्टिच आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसी तरह से करना है। ये देखिए एक बार फिर से हमने ये देखिए हमारा ये बैक पल्ला है, बैक पल्ले की ये रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड एक चेन ली हमने और इसे साथ में लिया। तो यहाँ पर हमने धागा लिया, एक दो तीन थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन छोटा सा डबल क्रोशिया बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे इस तरह से। तो अब ये जितना जो मेरे पास ये स्टिच बनता है, ये तीन चेन मतलब एक डबल क्रोशिया जितना बनता है, किया हमने क्या है, बस इस साइड देखिए इस साइड सेंटर में हमारा धागा आ गया, इन दोनों के सेंटर में। इसके बाद हमने पांच चेन ली, एक दो तीन चार पांच, पांच चेन लेंगे। देखिए इस साइड सेंटर वाला जो पफ है, इस साइड जो सेंटर वाला पफ है, दोनों को ऐसे लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, एक दो तीन चार पांच चेन ली, दोनों जो सेंटर वाले पफ हैं उनको दोनों को इकट्ठा लेकर हमने सिंगल क्रोशिया किया। देखिए एक दो तीन चार और पांच, चार पांच, इसके बाद हमने यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करना है। देखिए ये हमारा जो है नीचे वाले पफ हैं, ये ऊपर वाला पफ है, एक तीन के पैटर्न में। देखिए ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, यहाँ पर भी यही चीज़ थी। ये देखिए ये ऊपर वाले दो पफ हैं, लेकिन इनकी जो हाइट है, देखिए ये नीचे वाली साइड है, इसलिए हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया जितना हमने स्टिच बनाया है, तो सेम इसी तरह से हमने एंड में बनाना है। अब देखिए क्या करेंगे, ये पांच चेन थे हमारे पास, अब हमने दो चेन ली, दो चेन लेकर हमने यहाँ पर धागा लिया, एक बिल्कुल छोटा सा मैंने डबल क्रोशिया बनाया, बहुत छोटा सा। फिर हमने धागा लिया, इस साइड से भी बनाएंगे, बहुत छोटा सा बनाया है इस तरह से, ताकि धागा हमारा सेंटर में ही रहे और स्टिच भी हमारा बड़ा हो जाए। तो अब ये हमारा यहाँ पर स्टिच हो गया। ये देखिए मैं आपको दूसरी साइड से दिखाती हूँ, देखिए ये हमारी बीच वाला जो चेन स्टिच वाली रो है, ये हमारी स्टिचिंग लाइन है। ये देखिए ये बीच में, तो कंप्लीट देखिए किस तरह से हमने करना है। पांच चेन ली हमने, सिंगल क्रोशिया किया, एक और दो चेन ली, धागा लिया, अब ये जो नीचे वाला पफ है इसकी चेन को लिया और एक छोटा सा यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से फंदा बड़ा नहीं करेंगे, ऐसे छोटा ही रखेंगे। तीन है, फर्स्ट जो पहले दो हैं वो हमने निकाल दिए फंदे, फिर धागा लिया, इसको हमने इसके साथ जोड़ना है, इसका भी हमने नीचे वाला जो पफ है उसके साथ वाली चेन को लिया, लास्ट जो डबल क्रोशिया है। अब देखिए क्रोशे के ऊपर चार है, पहले दो निकाल दिए, अब हमारे पास तीन फंदे हैं, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया मैंने बनाया है, अब इसे कंप्लीट किया है। तो ये भी मैंने इसलिए किया है, देखिए ये दोनों तरफ छोटा छोटा हमने डबल क्रोशिया बनाया है, इसकी पूरी अगर आप लेंथ देखेंगे तो एक डबल क्रोशिया जितनी है, और हमारा धागा भी सेंटर में है, धागा सेंटर में करने के लिए हमने इस तरह से बनाया है। एक बार फिर से देख लें मैंने किस तरह से बनाया है, अगर किसी को ना पता चले, दो चेन ली, दो चेन लेकर धागा लिया, यहाँ पर एक छोटा सा डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए तीन है, फर्स्ट टू निकाल दिए फंदे, फिर हमने धागा लिया, यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट स्टिच है इसको लिया, अब क्रोशे के ऊपर चार हैं, दो निकाल देंगे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया, अब ये तीन है, तीनों को एक साथ निकाल दिया। इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक पफ से दूसरे पफ तक जाने में हम पांच चेन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए
इसी तरह से यहाँ पर बनना है। इस पफ से इस पफ तक जाने के लिए हमने 5 चेन लेनी है। 2 चेन हमने पहले ली है, एक हमारी डबल क्रोशिया की चेन हो गई, 3 हो गई, तो अब हमने 2 चेन लेनी है, तब ये हमारी 5 हो जाएंगी। एक और 2 चेन ली फिर से। बैक साइड जो हमारे पास पफ स्टिच के तीन तीन के पैटर्न हैं, वहाँ पर भी हम इसी तरह से 5-5 चेन लेकर बनाएंगे। देखिए ये वाला हमारा 2 चेन, फिर ये डबल क्रोशे की एक चेन आ गई, फिर 2 चेन, तो एक पफ से दूसरे पफ तक हमने 5 चेन ही ली हैं। एक दो तीन चार पाँच, इसके बाद 5-5 बनाकर दूसरी साइड आएंगे। जब हमारे 4 पफ रह जाएं, तब हमने फिर से ज्वाइन करना है इन्हें दोनों पल्लों को एक साथ। एक दो तीन चार, चार हमारे पास रह गए। तो उसी तरह से जैसे हमने दूसरी साइड किया है, पहले हमने लिए 2 चेन, देखिए यहाँ पर हमने 2 चेन लेकर फिर ये वाले पफ में ज्वाइन किया था। तो अब इस पफ से उस इस साइड जाने के लिए हमने 2 चेन ली, इसके बाद हमने डबल क्रोशे बनाना है। धागा लिया, ये जो हमारा देखिए एक दो तीन चार, चार में से जो लास्ट वाला है यहाँ पर हमने एक छोटा सा बनाना है डबल क्रोशिया। कम कम देखिए ये पे 3 है, पहले 2 निकाल दिए, कंप्लीट नहीं किया, फिर धागा लिया और ये हमारा जो इसका रॉन्ग साइड मैंने इसकी ऊपर कर ली फ्रंट वाले पल्ले की। इसमें भी देखिए ये हमारी एक दो तीन थर्ड चेन है, वहाँ पर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है छोटा सा। 4 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब 3 है, तीनों से एक किया हमने। इसके बाद एक और 2 चेन ली, इन दोनों को लिया, सेंटर सेंटर वाला जो नेक्स्ट पफ है सिंगल क्रोशिया किया, एक दो तीन चार पाँच, बाकी तो उसी तरह से है, 5-5 चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक और 2 धागा लिया, कंप्लीट करना है हमने इसे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 है चेन, थर्ड चेन में हमने छोटा सा डबल क्रोशिया बनाना है। उसी तरह से इस तरह से धागा लिया, ये हमारा लास्ट जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में भी हम इनकम्प्लीट बनाएंगे। 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब 3 से एक करेंगे, एक चेन लेंगे, यहाँ पर धागा काट देंगे। देखिए इस तरह से ये बना है हमारा, आप एक बार देख लें, और राइट साइड देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगी, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर देखिए चेन स्टिच बनाते हैं, फिर पफ स्टिच बनाते हैं, फिर ये चेन स्टिच आ गया, फिर पफ स्टिच आ गया, इसलिए हमने इस तरह से ज्वाइन किया है। बाकी आप सुई धागे से स्टिच करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरह से करना है। अब मैं आपको इसे सीधी करके दिखाती हूँ। ये इसका आम हो। अब यहाँ पर हम किनारी बना लेंगे, यहाँ से देखिए स्टार्ट करना है हमने। देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये जो हमारा पहला फ्रंट वाला पल्ला है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हमने रखे हैं फ्रंट के, तो ये 8वां जो स्टिच है उसके साथ वाली जो चेन है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर में यहाँ पर 5 चेन है, सेंटर वाली चेन को मैंने लिया, इस तरह से निकाल लिया, एक चेन ली, यहाँ पर
हमने पहला सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद ये जो हमारा जिसमें जिस चेन में हमने ये तीन तीन पफ बनाए हैं उसमें हमने वर्क करना है, धागा लिया एक दो तीन चार पाँच और छः, छः यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बनाए। ये जो हमारी सेंटर में चेन है यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट पफ की चेन में हमने छः डबल क्रोशिया बनाने हैं। और ये छः यहाँ पर ज्वाइन किए इस तरह से। तो इस तरह से बनाकर हम यहाँ पर कॉर्नर तक आएंगे। तो ये देखिए छः छः डबल क्रोशिया बनाकर कॉर्नर पर आ गए हम। अब देखिए यहाँ पर हमने टर्न लेना है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारी स्टार्ट वाली चेन है। जब हमने ये पफ स्टिच वाली रो बनाई थी इससे पहले हमने देखे ये चेन स्टिच बनाया था। तो यहाँ पर हमने ये देखिए एक दो और ये तीन, थर्ड चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसके बाद हमने धागा लिया, ये पहला जो हमारी चेन है इस जिस देखिए एक दो तीन थर्ड में किया है, इस यही होल में, इसी होल में हमने फिर से छः डबल क्रोशिया बनाने हैं, दो तीन चार पाँच और छः, छः डबल क्रोशिया बनाए, नेक्स्ट में ज्वाइन किया। ये जो पफ स्टिच वाली रो है इसकी जो चेन है इसमें हमने छः बनाने हैं और ये दूसरी जो है यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है। फिर पफ स्टिच वाली है इसमें छः बनाएंगे, इसमें ज्वाइन करेंगे। तो इसीलिए हमने शुरू में देखिए पफ स्टिच वाली रो में छः बनाए हैं। दो तीन चार पाँच छः यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। तो इस तरह से हम बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से बनाकर हम यहाँ नेक के पास आएंगे जहाँ पर हमारे पास तीन पफ हैं। इसके बाद देखिए ये दो पफ हैं तो तीन तक मैं बना लूँगी। तो ये देखिए अब देखिए यहाँ पर हम नेक के पास हैं, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बनाना है। तीन मेरे पास पफ हैं वहाँ पर मैंने बना लिया। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने ज्वाइन किया। अब ये दो पफ में बनाएंगे, पफ स्टिच वाली रो में हम छः स्टिच बनाते हैं, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः बनाए हमने। अब देखिए इसे हमने ज्वाइन कहाँ करना है, यहाँ पर हमने बनाया नेक्स्ट इसी जगह। देखिए ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, ये जो हमारा होल है यहाँ ज्वाइन किया। अब हमारे पास फिर से पफ स्टिच वाली रो है, यहाँ पर हम फिर से छः बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः, नेक्स्ट में ज्वाइन किया, फिर पफ स्टिच वाली रो में बनाए, एक दो तीन चार पाँच छः ज्वाइन किया, फिर ये दो पफ है यहाँ पर बनाया, बस यहाँ पर आकर ज़रा ध्यान से ज्वाइन करना है। ये देखिए अब हमने इसे यहाँ पर ज्वाइन किया, फिर ये पफ स्टिच वाली रो है, फिर यहाँ पर फिर से बनाया,
इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसी तरह से बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, इसके बाद ये जो चेन है फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर ये एक पफ है यहाँ पर बनाएंगे छः, फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ तक आप बना लें जहाँ पर हमारे पास बैक आ जाती है। तो अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया, ये देखिए ये हमारी स्टिचिंग वाली जो चेन है वो दिखाई देती है। अब देखिए ज्वाइन करेंगे, ये पफ स्टिच वाली रो में 6 बनाए हैं, उसके नेक्स्ट में यहाँ पर ज्वाइन किया है, इसके बाद फिर से हमने 6 बनाने हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास ये बैक के पफ आ गए, तो ये जो हमारा पहला पैटर्न है इसकी चेन में यहाँ पर 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से फिर देखिए यहाँ पर 6 बनाए, अच्छे 6 मतलब 6 यहाँ पर ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिए से। तो इस तरह से यहाँ पर फिर यहाँ देखिए यहाँ तक बनाएंगे, ये देखिए बैक साइड बना लिया मैंने। अब ज्वाइन देखिए कहाँ पर करना है, ये लास्ट जो हमारा बैक साइड पफ का पैटर्न है 3 का, 1 2 3, उसमें सेंटर वाले में मैंने बनाए हैं ये 6, इसके बाद यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इसे। फिर ये हमारे पास फ्रंट साइड जो पफ के पैटर्न है, फिर यहाँ पर पफ पैटर्न वाली जो है पफ पैटर्न वाली रो उसमें हमने 6 बनाने हैं। और जो नेक्स्ट होल वाली रो है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। तो इस तरह से बनाकर हम यहाँ पर कॉर्नर पर आएंगे। तो कॉर्नर तक देखिए बनाकर आ गई मैं, यहाँ से देखिए ये जो लास्ट हमारे पफ स्टिच वाली रो है उसमें मैंने 6 बनाए, उसके बाद ये शुरू में बिल्कुल यहाँ पर हमने ज्वाइन किया जो फर्स्ट चेन है। सिंगल क्रोशिया किया है, इसके बाद यहाँ से हमने टर्न लेना है, धागा लिया, ये पहला जो पफ का पैटर्न है उसकी चेन में 6 बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 बनाए, यहाँ सेंटर में ज्वाइन किया। तो अब इसके बाद इसी तरह से यहाँ ज्वाइन किया, फिर यहाँ पर 6 बनाएंगे, फिर ज्वाइन करेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर आखिरी से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने, ज्वाइन करेंगे। देखिए इस होल में जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था उसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे, तो अब देखिए आर्म होल के ऊपर भी इसी तरह से बनाएंगे। देखिए स्टार्ट मैंने कहाँ से किया है, देखिए ये जो हमारा सेंटर है, इसके बाद ये चेन है, ये पफ स्टिच वाली रो है, देखिए यहाँ पर 2 हमने पफ बनाए हैं, इस रो में मैंने 6 स्टिच बनाने हैं और ज्वाइन हमने उससे पहले वाले में करना है। तो उससे पहले वाले स्टिच में मैंने स्टार्ट किया,
एक चेन ली, इसी जगह हमने पहला सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हम धागा लेंगे, ये जो पफ स्टिच वाली रो है यहाँ पर 6 बनाएंगे, 1, 1, 2, 3, यहाँ पर हम 5 बनाएंगे, बाकी में हमने 6 बनाए हैं लेकिन यहाँ पर मैंने 5 बनाए हैं। इसके बाद देखिए इसे यहाँ पर सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया। इसके बाद हमारे पास ये वाला जो मार्कर वाली चेन है यहाँ पर बना लेंगे। पांच स्टिच यहाँ पर बनाए मैंने, नेक्स्ट होल में ज्वाइन किया। उसके बाद फिर ये पफ स्टिच वाली रो है इसमें फिर से 6 बनाएंगे। सॉरी 5 बनाएंगे। आर्म होल हमारा खुला, ज़्यादा खुल ना जाए, लूज ना हो जाए, तो हमने यहाँ पर 5-5 बनाए हैं और फिर यहाँ पर 5 बनाएंगे। इस तरह से आएगा। तो अब इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसे हमने फ्रंट में बनाई है सेम उसी तरह से है, यहाँ ज्वाइन किया, फिर यहाँ पफ स्टिच में बनेगा, फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो कंप्लीट करके यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए किनारे कंप्लीट हो गई, ये हमारा जो पहला सिंगल क्रोशिया है। देखिए ये पफ स्टिच वाली रो में मैंने 6 बनाए हैं। इसके बाद ये जो हमने सिंगल क्रोशिया शुरू में बनाया था इसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन ली और धागा काट देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरी साइड भी मैंने सेम इसी तरह से बना लिया। तो अब मैं आपको जैकेट दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट, ये नीचे हमने 6-6 रखे हैं स्टिच डबल क्रोशिया, फ्रंट में भी 6-6 रखे हैं और यहाँ पर हमने 5 रखे हैं आर्म होल पर। आप चाहें तो ये जो फ्रंट वाले हैं यहाँ पर भी आप 5 बना सकते हैं, अगर आपके यहाँ पर झोल आए तो नीचे आप 6 बना लें, यहाँ पर 5 बना सकते हैं। तो अब मैं आपको देखें इस तरह से, इसका नेक, देखिए ये हमारे पास 3 है जो पफ, यहाँ पर आप डोरी बना के डाल सकते हैं। डोरी देखिए मैंने बना ली है। तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो गई है, लिंक आपको इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से देखकर आप ये डोरी बना सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे मेजर करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए 16.5, 16.5, और हल्का सा भी हमने ऐसे इसे फैलाया तो ये देखिए 17 पे चला गया। 17 का जो टोटल राउंड बनेगा वो 34 बनेगा, 34। तो 34 चेस्ट साइज के लिए मैंने इसे बनाया है। अगर आप इस तरह से दोनों किनारे को साथ मिलाकर यहाँ पर डोरी बांधते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इस तरह से डोरी गैप के साथ इसे पहनना है तो यही फिर 36 को भी आ जाएगा। अगर बीच में यहाँ पर आपने इस तरह से डोरी बांधनी है कि बीच में गैप दिखे तो ये फिर 36 को भी आ जाएगा, 36 को भी। तो ये आपकी चॉइस है आपने किस तरह से इसे पहनना है। मैंने इसे 34 चेस्ट साइज के लिए बनाया है, इस तरह से बिल्कुल साथ साथ डोरी रख के पहनने के लिए। तो अब मैं आपको इसे बता देती हूँ आपने बाकी चेस्ट साइज में किस तरह से बनाना है। देखिए मैंने बनाया है इसे 34 में, 34 के अकॉर्डिंग मैंने फ्रंट में 8 रखे हैं, इस साइड 8 रखे हैं, 16 हो गए, 16, 8+8 16, बैक साइड मैंने 17 रखे हैं, 17। तो टोटल यहाँ पर मेरे पास ये 33 हैं। तो 33 मेरे पास है, एक ये किनारी का हो गया 33, हमारे पास पैटर्न है 33 इंच हमारा वो हो गया, एक हमारा किनारी का है 1 इंच हो गया। तो 34 चेस्ट साइज इस हिसाब से बनती है।
फ्रंट साइड देखिए मैंने लिखा है फ्रंट साइड, पीपी का मतलब पैटर्न, ये हमारे जो पूरा पैटर्न है एक, तो 24 के लिए है, 26 के लिए, 28 के लिए। तो ये जो 34 का बनाया है देखिए मैंने लिखा है फ्रंट में 8 है, दूसरी साइड फ्रंट में भी 8 है, और सेंटर में हमने जो बैक साइड, सेंटर नहीं जो बैक साइड है वो 16 है, टोटल मैंने 33 रखे हैं। 33 के लिए मैंने 6 के मल्टीपल के हिसाब से 198 चेन वो ली है, 3 चेन एक्स्ट्रा ली है, 201। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए आप 42 का या 40 इसका बनाते हैं, 40 का बनाते हैं, तो फ्रंट में आपके 10 आएंगे, बैक में 10 आएंगे, दूसरी साइड फ्रंट में 10 आएंगे, बैक में 20 आएंगे, टोटल 40 हो जाएंगे, और 243 आप टोटल चेन लेंगे। तो ये देखिए आप स्क्रीन शॉट ले लें यहाँ से इसका, तो यहाँ से देख कर आप किसी भी चेस्ट साइज में बना सकते हैं इसे। और एक बात और यहाँ पर देखिए, मैंने जो इसके आर्म होल की कटाई डाली है, ये मैंने एक पैटर्न फ्रंट का डिक्रीज किया है, एक साइड, एक हमने बैक साइड डिक्रीज किया है, मतलब फ्रंट में हमने एक किया है और यहाँ पर मैंने 3 किए हैं, और सेंटर बाकी हमारे पास 4 बचे। अगर आपको ये आर्म होल की कटाई ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ एक की जगह 2 छोड़ सकते हैं, तो फिर ऊपर जाके आपके पास 3 बचेंगे, फिर 3 ये हो जाएंगे, 3 ऊपर जाके बचेंगे और 2 ये हो जाएंगे, अगर आपको आर्म होल की कटाई यहाँ से चाहिए। और उसके लिए जैसे हमने एक पैटर्न ये छोड़ा है, एक आप ये छोड़ देंगे तो ये वाला आपका सारा पैटर्न छूट जाएगा, यहाँ पर जो 3 पफ के बाद हमने डबल क्रोशिया बनाया था वो फिर यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये हमारी सारी रो छूट जाएगी अगर आपको कटाई डीप चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।